त्योहार को समय वैसे भी शाम को 6 बजे अपनी दुकान बढ़ाए के बंद करके घरे पहुंच जाते, लेकिन त्योहार को समय तो कस्टमर बहुत आ रहे थे, बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी, तो उन्हें बहुत लेट हो गए वो घर पे पहुंचने में। वैसे 6 बजे पहुंच जाते थे, लेकिन उस दिन उन्हें 10 बज गए। अब 10 बजे जैसे ही 6 से 6:30 बजे तैसे ही सेठानी ने फोन लगाए, शुरू कर दो। तैसे ही सेठानी ने फोन लगाए, वो शुरू कर दो, अभी नहीं आई, बताओ आना तो बहुत बड़ी बात, कॉल भी अटेंड नहीं हो रही। 6:30 बजे से कॉल लगा रही और 10 बजे तक लगाई कॉल, लेकिन कॉल अटेंड नहीं हुई, कॉल नहीं उठी, क्योंकि सेठ जी ने फोन अलग रख दो, कस्टमरों को देख रहे थे भैया। जैसे ही 10 बजे अब सेठ जी ने फोन उठाओ, तमाम कॉलें में सोचने लगे आज सेठानी तो गिलास लगावेगी अच्छी वाली, क्या करूं। उनने तुरंत उठाओ मोबाइल और दुकान बंद करी और भागनो स्टार्ट है गए। रास्ते में एक दीमांगी साहब मिले, रात में कहां भागता जा रहा है? बोले दीमांगी साहब बोले मतलब दीमांगी साहब घर पर जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ। अच्छा लेट हो गया है, चल कोई बात नहीं, चल निकल निकल। सेठ जी भागत वे घर पे पहुंचे, सेठानी ने शाम को 6 बजे को खाना बनाए के रख लो। वैसे तो सेठ जी के लिए गर्म ही गर्म खाना बनाती, बड़े प्यार से थाली पर उसके लाती। अब सेठानी ने कहा करो सेठ जी को घर में घुसत देखो तो फूल के बम बह गई, दूसरे कमरा में बैठ गई। सेठ जी चले के भाई कमरा में पहुंच गए, चेहरा की तरफ देखो बेमन्ना एक उठी वा कमरा में थे, बे दूसरे कमरा में चली गई, बे पीछे पीछे गए, फिर उन्हें सामने पहुंचे, फिर उन्हें चेहरा की तरफ देखो बे बा में तो उठी, फिर दूसरे कमरा में पहुंची सेठ जी, फिर वा कमरा में पहुंच गए। सेठ जी बोले अजी खाना मिलेगा क्या, खाना मिलेगा क्या? अब बे बोली ना, उन्हें गुस्सा के मारे कहा करे, वैसे तो सम्मान से 2 पूरी रखती थी या 2 रोटी रखती थी, लेकिन उन्हें गुस्सा के मारे कहा करो अंदर गई, मटर पनीर की सब्जी रख ली एक बड़े से कटोरों में, वैसे 2-4 पूरी रखती, लेकिन बाद ना 10-20 इकट्ठो ढेर रख लो वही पटक दे और पस के और फिर दूसरे कमरा में पहुंच गई। सेठ जी सोचने लगे पारा ज्यादा गर्म है, कोई बात नहीं। सेठ जी ने कहा करो भाई, जो सेठानी ने थाली पर सी रोटी वाली, सेठ जी ने थाली उठाई और वहीं पहुंच गए जहां सेठानी बैठी, धीमे से जाए की वह थाली सेठानी के सर पर रख दी। सेठानी ने हंस के बोली क्या बात है, क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? सेठ जी बोले अच्छा तुम्हें ही बताओ, वैसे रोज गरम गरम लेकिन आज मतलब इतनी ठंडी पूड़ी, ठंडी सब्जी, ठंडी जब खीरी ठंडी सब ठंडो ही ठंडो है। देवी जी मैंने जब सोची तुम्हारा खोपड़ा ज्यादा गर्म है, थोड़ो गर्म ही कर ले। तो इस तरह से घर चलता है, अगर पत्नी को गुस्सा हो तो पति झुक जाए, अगर पति को गुस्सा है तो पत्नी का स्वभाव बनता है झुक जाए, तब ग्रस्त जीवन गाड़ी है तब चल पाती है, और दोनों ही तरफ से टेम्परेचर हाई हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा महाराज, है ना। इसलिए ग्रस्त की गाड़ी को कुशल हाल चलाए, झुकना सीखे, क्योंकि झुकना इंसान की इंसानियत की पहचान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, इसलिए झुकना सीखें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया